स्वागत करती हूँ। तो आप आज सोच रहे होगे, अरे मैं योगा मैट पे क्यों बैठी हूँ और भैया बात क्या है? तो बात ये है दोस्तों कि हमें पता है कि इंटरनेशनल योगा डे बिल्कुल आ गया है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, योगा के लिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि हमें योगा जरूर करना चाहिए, क्योंकि योगा से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें फील कर पाओगे जो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों योग ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ही बदला है और काफ़ी कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है मैंने अपने बारे में महसूस करी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम सब योगा करें, और योग जो करने के बाद में उसके जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, इमीडिएट कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों, आप धीरे धीरे उस पर काम करते तभी मिलती है चीज़ें। तो आप अगर कंटिन्यू करते हो ना तो उसके आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। डेली रूटीन में मैं योगा जरूर से जरूर करती हूँ, अगर मुझे टाइम कम मिल रहा है तो भी मैं कम समय पे ही सही मगर करती जरूर हूँ। तो दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे के खास मौके पे मैं आप सबके लिए आज जो लेकर आई हूँ वो पता है क्या है? वो है कैमल पोज, यानी कि एक इतना बढ़िया योगा पोस्चर जो हम अगर रेगुलर लाइफ में इसको अपनाएं और रेगुलर लाइफ में अगर करें तो हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इसके मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसे करते कैसे हैं, उसके बाद आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है दोस्तों, आप इस तरह से अपने नीज पे यानी कि घुटनों पे सामने की तरफ ऐसे खड़े हो जाइए, लेकिन सामने की तरफ और जो पीछे आपके पैर है उन दोनों में आपकी जो गैप है वो इक्वल रखें। ओके, उसके बाद आप क्या करें, कोई भी चाहे आपका लेफ्ट हो चाहे राइट हैंड हो, किसी भी हैंड से आप सबसे पहले उसको धीरे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने एंकल को ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद धीरे से अपने दूसरे हाथ को लेके जाएंगे और फिर पीछे की तरफ अपनी गर्दन झुकाएंगे। कोशिश सामने की तरफ आए एक एक करके, फिर दूसरे हाथ से, मुझसे दूसरा हाथ थोड़ा मुश्किल होता है ना, मगर फिर भी चलो कोई नहीं। तो इस तरह से आप सामने की तरफ आ जाइए और जैसे आप करा है उसी तरफ से आप वापस उसमें आइए। तो पहले आप इस तरह से खड़े होंगे, फिर आप धीरे से नीचे बैठेंगे और फिर इस तरह से। तो दोस्तों ये है उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज, और कैमल पोज में जैसे कि आपने अभी देखा मैंने कैसे कैसे करा, किस तरह से करा, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होता है हमारे जो फ्रंट बॉडी है वो पूरी तरह से अच्छे से वो स्ट्रेच होती है ना, और पीछे हमारी जो स्पाइन है उस पर भी काफ़ी असर आता है ना। तो ये हमारे स्पाइन को भी मजबूत करती है और हमारे स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है पूरी बॉडी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हमारी किडनी से रिलेटेड हो चाहे कितनी भी कुछ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्योर हो जाती है और हमारे बॉडी के जितने मेजर ऑर्गन हैं सब प्रॉपर काम करते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ में इसको करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ज़रूरी है। और योगा में कि आप इतना ही करें जितना आप कर पाए, आपको ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं, आप शुरुआत में धीरे 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 कीजिए, जैसे जैसे आपकी बॉडी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप चीज़ें करते जाओगे। तो यही था आज के इंटरनेशनल योगा डे पे।